एक चीज याद आ गई आपको भी पता लगा होगा कल वाला केस ऋषभ पंत वाला पता लगा होगा आपको है ना so मतलब इट्स सो मतलब मतलब कि मेरा भी खैर वो वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है बहुत ही अच्छा लगता है और मतलब बढ़िया बंदा भी है पर देखो कितनी लाइक like, uh, महंगी गाड़ी लेके भी और सब कुछ करके भी फिर भी बहुत ही मतलब बस भगवान ने बचा लिया ये मान लीजिए आप ये सरवाइव फाइनली सो इट्स अ ग्रेट थिंग पर इस सिचुएशन से और ओवरऑल ऐसी कई सिचुएशन होती हैं जिसे बहुत कुछ सीखना अपने को चाहिए जैसे कि फॉर्चुनेटली ही सर्वाइव दैट्स अ ग्रेट थिंग लेकिन बहुत सारे केसेस इस तरह के होते हैं जहां पे पीपल डोंट सर्वाइव राइट देर वॉज अ फेमस बास्केटबॉल प्लेयर एज वेल राइट कोबी ब्रांड राइट है ना हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गया था सो देर आर थिंग्स यानी मतलब इससे एक चीज बहुत समझने वाली होती है कि लाइफ जो है वो अनसर्टेन है सभी को पता है अब अनसर्टेन अगर है तो इसका मतलब ये है कि हम जो फ्यूचर 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 सोचते रहते हैं ना लाइफ जो है हमेशा प्रेजेंट में ही होती है जस्ट इमेजिन मान लीजिए हमें कोई मंजिल पानी थी और हम उसके लिए एफर्ट करते गए करते गए एक दिन वो मंजिल हमें मिल गई ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा मान लीजिए अगले दिन हम नहीं है बाय द वे ड्यू टू सम रीजन तुम्हें कैसा फील होगा कैसा लगेगा ऑब्वियसली यही लगेगा कि भाई ये मैं इसके लिए भागता रहा भागता रहा मैं जस्ट मिला था ये मंजिल मिली थी और यार कुछ देर तो मैं रहता उस पर कम से कम हमेशा हम इनकम्प्लीट ही फील करेंगे हमेशा विल फील कि यार अगला कुछ गोल था मेरा ये हो जाता तो ऑलवेज तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिंदगी को ना मोमेंट बाय मोमेंट जीना बहुत जरूरी है एवरी मोमेंट इज कंप्लीट इन इट हर मोमेंट में जॉय है हमेशा हम एक फ्यूचर बेस्ट के तरफ जाने की कोशिश करते हैं ये बेटर हो जाए मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाए मेरा नाम ज़्यादा हो जाए मेरी पर्सनालिटी बेटर हो जाए टीन में तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि अभी हम पूरे मैच्योर होते नहीं तो हमारी नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो भी थोड़े बड़े होते हैं नेचुरली सबकी पर्सनैलिटी थोड़ी ठीक ठाक हो ही जाती है वैसे ही नेचुरली ठीक हो जाती है लेकिन मुझे याद है टीन में ये जो टाइम रहता है इस समय बड़े बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं अपन और भी ज़्यादा होते हैं हेयर स्टाइल से लेके पिंपल आ गया उससे लेके हर चीज़ से हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और रहते हैं कि फ्यूचर में मैं बेटर हूं बेटर हूं बेटर होने में कोई दिक्कत नहीं है पर उसके लिए अपना प्रेजेंट मत खो बेटर हो जाओ लेकिन आप सोचना क्योंकि ये हमेशा होता है हम हर समय फ्यूचर के बारे में या सोचते रहते हैं प्लान करते रहते हैं पैक ऑफ द हेड या किसी पास्ट इवेंट के चक्कर में उसको सोचते रहते हैं 99% ऑफ द टाइम पता है यानी जिंदगी एक तरह से हमारे सामने से निकल जाती है जस्ट इमेजिन मैं यहां खड़ा हूं जस्ट इमेजिन मैं यहां खड़ा हूं और मेरी स्क्रीन पे मूवी चल रही है और वो मेरी लाइफ है या तो मैं उसको टच कर सकता हूं और फील कर सकता हूं या मैं सिर्फ उसको पीछे और इधर आगे देख सकता हूं हम क्या कर रहे हैं हम उसमें या तो पीछे देख रहे हैं या आगे देख रहे हैं और हमारा रूल ऐसा है लाइफ का कि हम सिर्फ तभी टच कर सकते हैं जो सामने है इमेजिन पूरी लाइफ चली गई और हमें पता है जस्ट इमेजिन कि अगले दिन बी गॉन वी एक लम्हे में जीना चाहेंगे जस्ट रिमेंबर दैट तब हमें एक एक लम्हा उस समय हमारी फैमिली या जो भी लोग होंगे हम जो भी कर सकते हैं जिसको फोन करना चाहते हैं मिलना चाहते हैं जो भी हम वो सब करना चाहेंगे उस लम्हे में एक एक मोमेंट हमारे लिए कीमती होगा और ये इतना फॉर्चुनेट भी सभी नहीं होते कि उनको पता लगे कि एक ही दिन है या ज्यादातर को तो पता ही नहीं है वेन इज द टाइम नो बडी नोज वट इज वट टाइम किसी का कुछ नहीं पता एंड दिस इज नॉट सैड थिंग ध्यान रखिए आई एम नॉट सींग समथिंग सैड आई एम टेलिंग यू द रियलिटी कि इन ऑर्डर टू टच द लाइफ इन ऑर्डर टू फील इट बिकॉज एवरी मोमेंट इज कंप्लीट एंड बेस्ट अभी आप यहां बैठे हैं ना आपकी तबियत खराब है ना कोई दिक्कत है सब बढ़िया है सफरिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है जब हमारा ब्रेन हम किधर लेके जा रहे हैं पास्ट में या फ्यूचर में ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट यार और सब बहुत अच्छा ही होगा डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑसम इवन इफ इट इज इंट वोंट लिव फॉर एवर एटलीस्ट लाइफ इज राइट नाउ इंजॉय दैट इसका तरीका बता देता हूं आपको मैं कि कैसे कैसे हाउ टू डू इट तो इसमें ट्रेन योर माइंड इन सच वे ट्रेन योर माइंड इन सच वे कि जैसे ही माइंड डिस्ट्रैक्ट हो इधर उधर जाए जस्ट फोकस ऑन द करंट थिंग फोकस कैसे करो जैसे अभी ये बात चल रही है तो बात चल रही है तो ये साउंड आ रही है आपके कानों में जस्ट इस साउंड को सुनो समझो इधर देख रहे हो तो असल में देखो ये नहीं कि देख सामने रहे हो बैक ऑफ द हेड कुछ और चल रहा है देखो ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व दीज दिस इज लाइफ guys. यही लाइफ है हर लम्हा लिव इट प्रॉपरली वी डोंट नो यार वी डोंट नो एंड दिस नथिंग टू बी सैड अबाउट और एक और बात बताना चाहूंगा कि जब आप हर लम्हा जियोगे ना तो नेचुरली आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है ना वो बेस्ट हो भी जाएगा क्योंकि एक बात बताओ लक्ष्य की प्राप्ति लक्ष्य के बारे में सोचने से थोड़ी ना होती है वो काम करने से होती है अगर हम हर मोमेंट टू मोमेंट पूरा अपना बेस्ट देते हैं तो वी विल बी द बेस्ट जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको एक देना चाहूंगा क्योंकि ये करना आसान नहीं होता है मैं खुद अपने माइंड को इवन ट्रेन करता रहता हूं टू यू नो लिव इन द मोमेंट जैसे कभी कभी आपने देखा होगा आप तो लगातार पढ़े हो इतने पूरे साल पढ़े हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ओवरऑल लेक्चर्स नॉर्मली अच्छे ही होते होंगे लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा अच्छे हो जाते होंगे जिसमें आपको ज्यादा फील आ गई या ज्यादा जॉय फील हुआ पूरे लेक्चर में वो ज्यादा जॉय पता आपको कब फील हुआ जब दो चीजें होती होंगी मैं भी पूरा डूब के पढ़ा रहा हूं जब मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है मैं सोच ही नहीं रहा हूं फालतू एंड आई एम जस्ट डूइंग 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 और पूरा फ्लो यू कैन फील दैट फ्लो और जब आप भी उस फ्लो के पार्ट हो जब वो दोनों चीजें हो जाती हैं तब हमें एक अमेजिंग नेक्स्ट लेवल जॉय मिलता है जब हमें पता ही नहीं लगता कि समय कब चला गया समय का जब एहसास खत्म हो जाता है उस समय हम प्रेजेंट में होते हैं समय का जब एहसास खत्म हो जाता है ध्यान रखिए अगर आपको जांचना है कभी भी कि हम प्रेजेंट में है कि नहीं तो आप जांच लीजिए आपको टाइम का समय का एहसास हो रहा है क्या कितनी देर हो गई या इतना टाइम हो गया जित, जब जब समय का एहसास हो रहा है इसका मतलब हम लम्हे में नहीं जी पा रहे हैं याद रखिए है, कभी कभी ऐसा होता होगा देर मस्पिस हम टाइम जब आप पढ़ रहे हो या कुछ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और आपको समय का बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि अरे यार इतना टाइम हो गया क्या कब बीत गया पता ही नहीं लगा इसका मतलब आप पूरा डूब गए थे उस लम्हे में इट हैपन्स मेनी टाइम्स पर अगर लगातार हो दैट इज द लाइफ हम हमेशा एक फ्यूचर सेल्फ के लिए नहीं तो तलाशते रहेंगे तलाशते रहेंगे ये करूंगा मैं वो करूंगा पापा मम्मी के लिए करूंगा खुद के लिए करूंगा ये हो, करो सब करो लेकिन आज जियो जरूर इन द बेस्ट वे पॉसिबल दीज मोमेंट्स विल नेवर कम बैक अगेन राइट Fixed, we are the SIM cards with limited validity. At least for this lifetime. Use it properly. Yeah, no?